दोस्तों स्वागत है आपका आकाश प्रकाशित ब्लॉग में। आज हम आए हैं बनारस की बुदौलिया मार्केट में और काफी रात हो गई है, करीब काफी रात के अभी तो 7 बज रहे हैं और हम लोग अभी घूमते टहलते हुए बुदौलिया मार्केट देखते हुए यहाँ पर अभी हम लोग जैसा कि दशाश्वमेध से निकल रहे हैं तो हम आपको अभी गोदौलिया का जो मार्केट है ना, बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है यहाँ का बनारस का, तो हम लोग अभी आपको गोदौलिया मार्केट दिखाते हैं। अभी जैसा कि आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कितनी अच्छे अच्छे भगवान की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और भी यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं और भी बहुत कुछ है। जैसा कि अगर आप कभी यहाँ पे बनारस में आएँ गोदौलिया पे तो यहाँ से ये जो भी आपको मूर्ति ले जानी हो, बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं सुंदर सुंदर यहाँ पे दुकानें, बहुत ही अच्छी अच्छी कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं। सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप तरह तरह कुर्ता, जैसे कि यहाँ श्री सीताराम भंडार है जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग क्या नाम है कि दशाश्वमेध घाट की तरफ से गोदौलिया मार्केट की तरफ चल रहे हैं और आपको पूरा मार्केट हम लोग दिखाते हैं। कभी आपको भी आना हो तो वीडियो के माध्यम से आप थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं, क्योंकि तो आपके आने के बाद वो जानकारी आपको हेल्प करेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आकाश भाई जो है वो जो कि हाथ में वो जो चूल्हा पहना जाता है वो देखने के लिए गए हुए हैं। तो देखते हैं कौन सा आकाश भाई चूल्हा लेते हैं, देखते हैं कौन सा लेना है आकाश भाई। हाँ, तो यहाँ पे आकाश भाई को पसंद नहीं आया इसलिए वजह से उन्होंने मना कर दिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। और यहाँ की आप भीड़ देख सकते हैं धीरे धीरे, जैसा कि भीड़ रात को और भी ज़्यादा एकदम इकट्ठी हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए श्री काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर का मुख्य द्वार है दोस्तों, यही है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। हर प्रकार का यहाँ पर आपको सामान मिल जाएगा, आपको अगर कोई भी सामान चाहिए तो मिल जाएगा, अगर जो सामान नहीं मिलेगा तो आपको दाल मंडी में मिल जाएगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जैसा कि दाल मंडी मार्केट है तो आप वहाँ पे भी जाके वो कोई भी सामान चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी निकल भी रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी घर भी निकलना है। तो अभी हम लोग की बाइक जो है कि एक जगह पार्किंग में हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो वहाँ पार्किंग से भी बाइक लेंगे, उसके बाद सीधे घर चलेंगे क्योंकि घर भी पहुँचने में 2 से 2.5 घंटे हम लोग को लगेंगे, क्योंकि रात का समय है तो आराम आराम से जाएँगे, ज़्यादा स्पीड में तो जाना नहीं है। तो अभी ये मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये गोदौलिया मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है दोस्तों। आपको घूमने के लिए यहाँ पे कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे अगर आपको एक एक मतलब कि अगर देखना है अच्छे से सामान। यहाँ पे बहुत से प्रकार के आपको सामान मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे एक सामान लेने आए ना, एक दो सामान, तो फिर भूल जाइए, आपको 2-4 सामान लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से आपको पसंद ही आ जाएगा। तो अभी हम लोग धीरे धीरे मार्केट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जैसे ये वही चौराहा है जिसे गोदौलिया चौराहा बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस चौराहा है दोस्तों। यहाँ पे बनारस का सबसे फेमस चौराहा अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो ये है वही चौराहा, गोदौलिया चौराहा। तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे जहाँ पे हम लोगों की बाइक जो है वो पार्किंग की हुई है, तो मेला लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे एक दिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे 24/7 ऐसे ही हालत रहता है, ऐसे ही मेला जैसे कि लगा रहता है। से लोग अपने हाथों में जैसा कि आप देख सकते हैं गोदौलिया मार्केट से सामान परचेस करके अपने घर की तरफ जाते हुए अभी हम लोग मार्केट से आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पे गोदौलिया का सबसे फेमस काशी चाट भंडार दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे जैसा कि भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर कितना भीड़ लगा हुआ है। ये देखिए काशी चाट भंडार, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि कई प्रकार की घड़ियाँ मिल रही है, अलार्म घड़ी जैसा कि मिल रहा है। ये कौन सा घड़ी है आकाश भाई? ये 7 तरह की लाइट कर रहे इसमें चलेगी। ये अलार्म घड़ी है 200 रुपए की। ये 200 रुपए का, जैसा कि यहाँ पे बहुत से प्रकार के यहाँ पे जैसा कि सामान आप देख सकते हैं, ये बैग वगैरह भी जैसा कि यहाँ पे मिल रहा है। तो गोदौलिया आइए तो आपको बहुत से प्रकार के यहाँ पे सामान दोस्तों मिल जाएंगे। यहाँ पे 220 का अंकल जी बोल रहे हैं दोस्तों, अब देखते हैं ये कितने में ये घड़ी हम लोग को देते हैं।
और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि भीड़ है जो अपने घर को लौट रही है। दोस्तों अभी अंकल जी ने 220 का ये जो घड़ी है वो बोला हुआ है, अभी देखते हैं हम लोग ये घड़ी अंकल जी कितने का देते हैं। अरे ले लीजिए, ये लीजिए। दोस्तों यहाँ पे अंकल जी ने 220 बोला है तो 200 रुपए तक वो दे रहे हैं, 180 हम लोग बोल रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, वो 200 पे जैसा कि अड़ गए हैं कि नहीं हम लोग 200 का ही देंगे। पे आप दोस्तों देख सकते हैं भीड़ जैसा कि गोदौलिया मार्केट से वो निकल चुकी है अपने घर की तरफ, अभी सब जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों घड़ी हम लोगों ने फाइनली ले लिया है जो कि 200 रुपए का अंकल जी दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, अब फाइनली हम लोगों ने घड़ी ले लिया। तो दोस्तों ये गोदौलिया मार्केट का आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे ब्लॉग में।